Hello, welcome back to the Kashish Food Indian Blogger. So today we are making, चलिए जानते हैं बच्चा पार्टी से. Hello, 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 hello. Hi. तो आज क्या बन रहा है? हम लोग के घर में डोरा केक बन रहा है. कौन से वाले डोरा केक्स? डोरेमोन वाले. तो किसको पसंद है डोरा केक्स? मुझे. तो किसी कहने से बनना डोरा केक्स? हम लोगों को. अपना नाम बताइए. नाम बताइए अपना. नहीं, नवाज. आप? अली शेख. आप? मुज़ैफा. अच्छा अच्छा, नहीं, तो पप्पू के चैनल कुछ बोल लेंगे आप लोग? पप्पू हम लोग की बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और हर चीज बनाती हैं. क्या क्या बनाती हैं? डोरा केक. डोरा केक्स. कैसा बनाती है डोरा केक्स? बहुत अच्छा बनाती हैं. तो डोरा केक अच्छा लगे तो लोगों से बोलिए लाइक शेयर एंड कमेंट. लाइक शेयर एंड कमेंट ना भूलिएगा. किसी कर दीजिए, सबको किसी कर दीजिए ऐसे करके. हाँ, के तो बाय बाय. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम. उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश और अपने घरों में आबाद होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ. सबसे पहले तो वेलकम बैक टू माई चैनल. और जो मेरे इस वीडियो को नए देखने वाले हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें. जैसा कि वीडियो की शुरुआत में आपने देखा होगा, मेरे प्यारे प्यारे क्यूट से भतीजों ने आज डिमांड की है डोरा केक की. वो सब मिर्ज़ापुर में रहते हैं और परसों रात में ही आए, और उन्होंने आते ही फरमाइश कर दी कि फूफो जी, हमको डोरेमोन केक खाना है और आप बनाइए. आज नाश्ते में हमें डोरेमोन केक ही खाना है. तो सोचा ये रेसिपी आप लोग के साथ भी शेयर कर ली जाए और बच्चों का दिल भी खुश कर दिया जाए. तो चलिए चलते हैं डोरा केक बनाने. हम कैसे बनाते हैं, शुरू से आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिएगा. प्लीज़ स्किप मत करिएगा इस वीडियो को. तो क्या क्या इन्ग्रीडियंट मैं इसमें डालने वाली हूँ देखिए. एक ये मिल्क मेड है, ये बाज़ार में आसानी से मिल जाता है. गार्निशिंग के लिए शहद यानी हनी, पाउडर शुगर, चॉकलेट सिरप, मैदा, दूध और बटर मेल्ट किया हुआ और कुकिंग ऑयल. अब हम सबसे पहले जो हमने बटर लिया हुआ है वो बाउल में डाल लेंगे. ये हमने बटर इसमें डाल लिया और इसी के अंदर हम पाउडर शुगर ऐड कर लेंगे. तकरीबन ये 250 ग्राम शक्कर है और 30 ग्राम के करीब मेल्ट किया हुआ बटर है. पाउडर शुगर हमने इसमें ऐड कर दिया. और ये जो डोरेमोन केक होता है, आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं. बच्चे बहुत ही खुश होते हैं डोरेमोन केक देख करके. पाउडर शुगर ऐड कर दिया. और इसमें हम मिल्क मेड डालेंगे. बेटा ये हमसे खुल नहीं रहा, जरा जरा आइए तो खोल दीजिए. ये टीम चलिए ये देखिए खुल गया. और इसको हम इसमें ऐड कर देंगे मैदे में.
ये पूरा नहीं जाएगा, ये हाफ ही डालिएगा इसमें, क्योंकि हमने शुगर भी ऐड की है और ऑलरेडी ये मीठा होता है। और एक खाने का चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा, एक से ऊपर, क्योंकि हमने 250 ग्राम मैदा और बेकिंग पाउडर जाएगा। सॉरी, आप पाउडर का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिएगा। 1.5 चम्मच के करीब हमने ले लिया है और इसको अब अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसमें दूध भी शामिल कर देंगे। तकरीबन इसको हम 10 से 12 मिनट फेटेंगे। ये देखिए, जब ये स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाए तब इसके अंदर हम मैदा शामिल करेंगे। इसकी मदद से हम इसको कम से कम 10 मिनट फेटेंगे। देखिए ये मिक्स हो चुका है, अब इसके अंदर हम मैदा शामिल कर लेंगे। ये हमने पहले से छान लिया था, आप भी इसको छान लीजिएगा। ये देखिए इसको हम मिक्स कर लेंगे। अक्सर मेरे वीडियो में आपको बहुत बैकग्राउंड की म्यूज़िक में बहुत शोर शराबा सुनाई देता होगा, कभी तेल वाला, कभी कबाड़ी वाला, कभी सब्जी वाला, क्या करें, सड़क पर घर है तो इस तरह की आवाज़ आती रहेगी। कल तो बच्चे बहुत बोल रहे थे, क्योंकि जैसे कि हमने बताया था कि भैया का इंतकाल हो गया तो सारे रिश्तेदार घर पर जमा हुए थे, बच्चे बहुत थे, तो फिर क्या कर सकता है बंदा। बच्चों को तो चुप कराना बहुत ही मुश्किल काम होता है ना। जितनी बार हम चुप करा के आ रहे थे वो लोग फिर शोर शराबा शुरू कर दे रहे थे और वीडियो भी आप तक पहुंचानी थी। प्लीज़ इन आवाज़ों को अवॉइड करिएगा। और ये जो बैटर हम तैयार करेंगे वो बैटर ऐसा होना चाहिए कि ना ज़्यादा जो है गाढ़ा होना चाहिए और ना ज़्यादा पतला। जब आप बैटर कटोरे में ऐसे करिए तो वो ऐसे करके इस तरीके कंसिस्टेंसी में होना चाहिए और गुल्फियाँ बिल्कुल नहीं पड़ी होनी चाहिए। तो मेरा बैटर तैयार हो चुका है, अब हम पैनकेक बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए ये डाल दिया है, इसको अब हम 1 मिनट के लिए ऐसे ढक देंगे और स्लो आंच रखेंगे। देखिए तकरीबन 1 मिनट से ऊपर हो गया है, अब हम अपने इस केक को पैनकेक को पलट देंगे और इसको ढक देंगे फिर से। तो देखिए दूसरी तरफ से भी हमारा पैनकेक तैयार हो चुका है। इस तरह हम सारे पैनकेक तैयार कर लेंगे। ये लीजिए डोरा केक तैयार, खा के बताइए कैसा लगा। ये मेरे फूफू ने बनाया है और मेरे फूफू ने बनाया है ये, तो ये इसको डोरा केक है ये और ये डोरेमोन वाला है। तो आप प्लीज़ मेरे फूफू का चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट एंड शेयर करें। एकदम बहुत अच्छा बना है और बहुत